नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आए हुए हैं कुछ डिफिकल्ट, कुछ इजी और कुछ सोचने समझने वाले क्वेश्चन, जो कि आपके सामने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाला है, ठीक है? जी टू जी का मतलब क्या होता है? आपको हम इसका मतलब बता रहे हैं, आप उनको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जी टू जी का मतलब होता है एक सरकारी संस्था और दूसरा सरकारी संस्था अगर आपस में जुड़ के बातचीत करते हैं तो वो बातचीत से अगर व्यापार होता है तो जी टू जी कहलाता है, यही इसका मतलब है। तो अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही? एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच व्यापार, ये होगा। कमेंट करिए। अच्छा, देखते हैं ये पहला क्वेश्चन किसका किसका है। जिसका भी पहला होगा वो वन लिख के भेजेगा तभी समझ जाएंगे, ए लिख के भेजेगा तभी समझ जाएंगे, या फिर यस या नो करेगा तभी समझ जाएंगे। यस कहेगा तो पहला, नो कहेगा दूसरा, ये समझ लेंगे, ठीक है? देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। कमेंट करिए जरा, देखते हैं, कमेंट करते रहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए जी टू जी का मतलब जस्ट बताएं आपको कि एक सरकारी संस्था दूसरे सरकारी संस्था अगर बात करती है, अगर मिलता है गवर्नमेंट अगर मिलती है तो वहां पे आपका व्यापार हो जाता है। तो एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच व्यापार, ये होता है। या फिर एक सरकारी संगठन या और दूसरे सरकारी संगठन के बीच व्यापार, ये होगा। क्या हो सकता है तो आपको बताएं, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए है या नहीं है। क्योंकि जब सरकारी संगठन होगा ही नहीं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो मतलब क्या, व्यापार हो ही नहीं पाएगा, ऐसे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक सरकारी संगठन और दूसरे सरकारी संगठन के बीच व्यापार, यानी कि जब हम संगठन बनाएंगे तभी व्यापार हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, जो कि इसका फुल फॉर्म आपको बधाई दिए हैं और कुछ इस प्रकार से आंसर शो कर रहा है, और ये हमारे मोदी जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकर किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो आपको बता दें क्विकर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी का एप्लीकेशन, जिसमें कि सामान बेचे और खरीदे जाते हैं और उसमें नौकरियां भी मिलती हैं, जो कि लगभग में 1000 आपके स्टेट में लगभग में काम कर रही है, सॉरी गाँव में काम कर रही है, ठीक है? इसका क्या काम होता है तो बता दिए, लेकिन इसमें कौन सा आंसर सही है ये बताना है आपको। हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा है सी टू सी या फिर बी टू सी या फिर बी टू बी, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी टू सी सही है, ए, यानी कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर दूसरा कस्टमर का क्या करता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, उसके बारे में पूरा लिखा गया। देखिए प्राइवेट संस्था है, इंडस्ट्री इंटरेस्ट जुड़ी हुई है, संस्थापक जो है प्रणय चुलेट है और यहाँ पे थॉमस है, और स्थान कहाँ पे, 2008 में हुआ था, और मुख्यालय बैंगलोर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, एफ वी या सम या फिर एनपीवी या फिर पीएमटी? तो आपको बता दें एफ वी और एनपीवी और पीएमटी तीनों फाइनेंशियल फंक्शन है। आपका सम फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये सम करने का यानी जोड़ने का पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, देखा भी रहा है। नेक्स्ट, माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है? माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है, लेफ्ट या राइट या बोथ या फिर नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें माउस का लेफ्ट बटन प्राथमिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सो ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, अंडो की शॉर्टकट की क्या होती है? अंडो कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? तो आपको बता दें अंडो का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बहुत ही इजी है तो आप तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पहला बैंक कौन सा था आपको बता दें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका पहला बैंक है जो कि क्रेडिट कार्ड जारी किया था, उसके बाद सब जारी किए लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले जारी किया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, मेन फ्रेम या सुपर या माइक्रो? तो आपको बता दें मेन फ्रेम नहीं, माइक्रो भी नहीं,
सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो आप भी कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन आंसर सही देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओके। नेक्स्ट, लिब्र ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो बता दे .odt, ऑप्शन नंबर सी सही है, .odt ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x86 क्या है, x86 क्या है, ब्राउजर है या प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कोई नहीं, आपको बता दे x86 वो है आपका ऑपरेटिंग, सॉरी प्रोसेसर है, प्रोसेसर ये आपका है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है, तो सफारी, मोजिला, बिंग या क्रोम। क्रोम तो है, मोजिला तो है, लेकिन सफारी और बिंग में से दोनों एक में से कौन सा होगा, तो आपको बता दे बिंग है, नहीं है बिंग, नहीं है बिंग किसी प्रकार का क्या है आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। सफारी भी तो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये था टोटल 10 क्वेश्चन, बहुत ईजी था, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको सोचने के लिए हमने रखा था ये, ठीक है। ये टोटल 10 क्वेश्चन था। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन आके CCC का क्लास अटेंड करें आपके लिए, तो आप कमेंट करिए, आपके लिए हम आके CCC का क्लास ऑनलाइन अटेंड करेंगे रात को 8 बजे, ओके। सो कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।